Hey guys, welcome back again on channel. अगर आप अपने बेड पर आराम फरमा रहे हैं तो फौरन ऊपर की ओर देखिए, क्या दिख रहा है आपको? आपको फैन यानी कि पंखा दिख रहा होगा। पता नहीं आप इस फैन को देखकर क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार इस फैन को कभी ना कभी किसी ने पास्ट में इन्वेंट किया होगा। आइए जानते हैं फैन यानी कि पंखे को सबसे पहली बार किसने इन्वेंट किया और कौन था वो बंदा जिसके दिमाग में ये आइडिया आया कि गर्मी को इस तरह से भी दूर किया जा सकता है। और आपको पता है जब दुनिया का पहला फैन इन्वेंट किया गया था तब वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं पानी से चलता था। तो आइए जानते हैं फैन के इन्वेंशन के बारे में और बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा फैन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स के बारे में। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं होम स्टेट। मैं इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर लेके आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दुनिया में जो भी आविष्कार हुए हैं उन सब में से फैन एक अनोखी खोज है, ये हम सबको मानना पड़ेगा। आज के समय दुनिया में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पे आपको सीलिंग फैन या कोई तरह का भी फैन लगा हुआ ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि आज के समय में अलग अलग तरह के फैन देखने को मिलता है, जैसे सीलिंग फैन है, टेबल फैन है, स्टैंड फैन है, जैसे कई तरह के। लेकिन एक टाइम था जब आपको इतने सारे वेराइटीज नहीं मिलती थी फैन। लेकिन जब पंखे का आविष्कार हुआ था तब इतने सारे फैन देखने को नहीं मिलते थे। उस समय गिने चुने एक दो तरह के ही पंखा देखने को आपको मिलते थे। ज्यादातर हम जिन फैंस को इस्तेमाल करते हैं उसमें 3 से 4 ब्लेड होती है और वो छत से झूलते रहते हैं, जिसको हम सीलिंग फैन कहते हैं। ये जो फैन का हम इस्तेमाल करते हैं आज के समय, उसका आविष्कार हुआ था अमेरिका में साल 1860 को। लेकिन उस समय फैन बिजली से नहीं चलता था, उस समय फैन पानी के फ्लो से चलता था। पानी के फ्लो से चलने वाले इस तरह के फैन का खर्चा बहुत ज्यादा होने के कारण घर घर में इसका यूज नहीं होता था। जो बड़े और रिच आदमी थे उस टाइम वही इसे अफोर्ड कर सकते थे और वही इसे इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अगर हम बात करें बिजली से चलने वाले पंखे का, तो उसका आविष्कार हुआ था साल 1882 को और इनको बनाया था फिलिप डायहल नाम के एक आविष्कारक ने। फैन की और एक मजेदार बात यह है कि उस समय पंखे को फिलिप के नाम से जाना जाता था, जो कि इसके इन्वेंटर का नाम था। बिजली से चलने के कारण इसका खर्च बहुत ही कम आता था पानी से चलने वाले फैन के कंपेरिजन में। फिलिप डायहल के कारण आज दुनिया के हर घर में पंखा घूम रहा है और उसी पंखे के नीचे बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हो और उसी पंखे के नीचे बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन जब ये पंखा जिस देश में पहली बार बनाया गया था यानी कि अमेरिका में, उसके दक्षिणी भाग यानी कि साउथ अमेरिका में आज भी लोग पानी से चलने वाला पंखे का इस्तेमाल करते हैं। फैन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने से पहले, अगर आपने अभी तक होमस्टेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक किसकी राह देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि होमस्टेट के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। फैन का पहला फैक्ट, एक माँ ने अपने बेटी की इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री को फाड़ दिया है जब वो अपने घर में फैन को सही करने में फेल हो गया। और मुझे ये सुन के काफी हंसी आ रही है क्योंकि पैसे से मैं भी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट हो और टू बी ऑनेस्ट मुझे भी फैन ठीक करना नहीं आता। फैन का दूसरा फैक्ट, 2012 में डॉक्टर हु के नाम से एक ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज थी। इसमें फैन को मूवी ऑन वर्ड से डिस्क्राइब किया गया था और बाद में इस शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल कर दिया गया, मतलब कुछ भी। फैन का तीसरा फैक्ट, शायद आपको यह सुन के हैरानी हो सकती है कि अमेरिका में 75% घर में सीलिंग फैन को इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मैंने तो सुना था कि अमेरिकन काफी रिच होते हैं और उनके घर में पूरे घर में एसी लगी होती है। फैन का चौथा फैक्ट, आपको पता है एक पंखा 1/10 इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है कंपेयर टू एयर कंडीशनर से, इसलिए एसी की जगह पर पंखे का इस्तेमाल करके जब भी पॉसिबल है आप इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हो, इससे आपकी काफी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। फैन का पांचवा और आखिरी फैक्ट, फैन को हम इस्तेमाल करते हैं घर को कूल करने के लिए, लेकिन क्या आपको पता है सीलिंग फैन आपके घर को सबसे ज्यादा गर्म करता है? हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि सीलिंग फैन घर को ज्यादा गर्म कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। इस इंफ्रारेड इमेज में सीलिंग फैन मोटर दिखती है जो कि कमरे की तुलना में काफी गर्म ज्यादा है। तो बस इसी के साथ आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह की वीडियोस आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि होमस्टेट के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बनें।